दोस्तों आपको याद होगा कि राज्यसभा का चुनाव चल रहा था और उसी दौरान तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे समाजवादी पार्टी के विधायक थे जो अखिलेश यादव का साथ छोड़कर चले गए थे। अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया था कि भाई हम किसी भी कीमत पर इन्हें बख्शेंगे नहीं। लेकिन बात आज मैं समाजवादी पार्टी के उन विधायकों का नहीं करने जा रहा हूं जो बीजेपी की गोद में ना जाकर केवल बैठे बल्कि बीजेपी के किसी काम भी ना पाए। जहां जहां से वो विधायक चुने गए थे वहां वहां पुरजोर कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता लिया जाए, लेकिन हुआ उल्टा। वहां समाजवादी पार्टी की तूती बोली और उन विधायकों को हर अपील को जनता ने खारिज कर दिया। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा, इसी बीच एक ऐसा व्यक्ति भी है, एक ऐसी शख्सियत भी है, एक ऐसा नेता भी है जो अखिलेश यादव का साथ छोड़कर गए थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो राजनीति के शिखर पर बैठ जाएंगे, लेकिन हो गया है उल्टा। अब उनकी पार्टी खत्म होने जा रही है। जी हाँ, आज की धमाकेदार खबर है कि जयंत चौधरी की पार्टी में जबरदस्त बगावत हुई और ये बगावत इस कदर हुई है कि जयंत चौधरी की पार्टी पर खत्म होने का खतरा मंडराने लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल अखिलेश यादव एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने आखिरी वक्त तक अपने दोस्तों से, चाहे कोई भी हो, दोस्ती निभाई है, जिसमें से जयंत चौधरी का नाम भी है। शायद ही कुछ लोगों को यह पता हो कि जयंत चौधरी कौन है। जयंत चौधरी दरअसल संसद की राज्यसभा के कोटे से वो सांसद है, लोकसभा वाले नहीं है, राज्यसभा से। और ये राज्यसभा का सदस्य किसने बनवाया? समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने ही जयंत चौधरी को दोस्ती के नाते राज्यसभा भेजा था। उन्हें भरोसा था कि उनका दोस्त आखिरी वक्त तक उनका साथ निभाएगा। लेकिन चवन्नी कहते हैं ना, पलटती नहीं है, लेकिन जयंत चौधरी पलट गए, अपने ही बयान से, अपनी ही बातों से पलट गए। क्योंकि उनको चाहिए था सिर्फ और सिर्फ एक मंत्रालय, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है ऊंचा है नीचा है, उन्हें बस अपने नाम के आगे केंद्रीय मंत्री लिखवाना था, तो लिखवा लिया। लेकिन अखिलेश यादव के साथ जो धोखा किया गया उसको लेकर जाट समाज में खासी नाराजगी है, बीजेपी के साथ जाने में खास नाराजगी है। और देखिए, RLD के अंदर जबरदस्त बगावत हुई है। सबसे पहले मैं खबर पढ़कर दिखा रहा हूं, खबर क्या लिखी है। ये खबर है ABP न्यूज ने छापी, जयंत चौधरी को बड़ा झटका, RLD के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। दरअसल जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं RLD के, उनका नाम है भूपेंद्र चौधरी। ये भूपेंद्र चौधरी जो है वो माने जाते हैं बेहद खासम खास जयंत चौधरी के। ऐसे वक्त में भूपेंद्र चौधरी ने जयंत चौधरी की ताकत को बढ़ाया था, यूं कहा जाए RLD की ताकत को बढ़ाया था, जब जयंत चौधरी की पार्टी लगातार नीचे स्तर पर जा रही थी। माना गया कि कई अलग अलग पार्टियों के लोगों को लेकर आए, भूपेंद्र चौधरी ने ज्वाइनिंग कराई, RLD की ताकत को बढ़ाया। अब उन्होंने ही RLD को अलविदा कह दिया है। मैं इनका पहला एक ट्वीट पढ़कर आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये ट्वीट देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया कि इन सालों में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए स्नेह सहयोग और सम्मान का मैं आभारी रहूंगा। भारी मन से आज मैं राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। जय जवान जय किसान। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करना RLD को इस कदर भारी पड़ गया है कि जयंत चौधरी की जो पूरी की पूरी पार्टी है वो कभी भी खत्म हो सकती है। तो जब पार्टी ही खत्म हो जाएगी तो बीजेपी के किस काम की, तो बीजेपी आसानी से NDA से उन्हें बाहर कर सकती है, यह है स्थिति। इसलिए जयंत चौधरी को लेकर माना जा रहा है कि वो यूटर्न ले सकते हैं और फिर से अखिलेश यादव के साथ बातचीत शुरू कर सकते हैं और मोदी सरकार से इस्तीफा दे सकते हैं। क्योंकि उनको अपने मंत्री पद से ज्यादा जरूरी अपनी पार्टी होगी कि मंत्री पद चलिए मान लिया मोदी सरकार पूरी 5 साल चल भी जाए, वैसे तो चलेगी नहीं, लेकिन चल भी जाती है तो 5 साल मंत्री तो रह पाएंगे, लेकिन तब तक उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी का इस्तीफा का मतलब समझिए, जो उनके साथ कई और लोग आए थे बड़े नेता, वो भी पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। और RLD इसी बात को लेकर अब पूरा समीकरण बिठा रही है कि मंत्री पद ज्यादा जरूरी है या पार्टी ज्यादा जरूरी है। पार्टी और मंत्री पद के बीच जयंत चौधरी फंसे हुए हैं। उनको चाहिए केंद्रीय मंत्री पद, वो मिल गया, लेकिन वहां बने रहेंगे तो पार्टी टूट जाएगी। अब दोनों ही तरीके से उनको फैसला लेना है। एक और उन्होंने ट्वीट किया, उस ट्वीट को पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसको बीजेपी को नहीं, बीजेपी के तमाम घटक दलों को समझना जरूरी है कि वो क्यों उनके साथ है, यानी कि जो NDA के घटक दल है, बीजेपी के सहयोगी, उनको समझना जरूरी है। भूपेंद्र चौधरी ने पूरी कलाई खोलकर रख दी RLD की। RLD की ना केवल कलाई खोली बल्कि ये बता दिया कि RLD को तो जाटों ने वोट दिया, लेकिन RLD ने जिस बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और जाटों ने उसको, यानी बीजेपी के प्रत्याशी को, और मुसलमानों ने भी बीजेपी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया, इसलिए मोदी कैबिनेट में एक मंत्री संजीव बालियान चुनाव हार गए। सबसे पहले देखिए, उन्होंने हमें वोट दिया भरपूर, हमारे साथ खड़े रहे हमारे, लेकिन हम चुप रहे। जब पूरे चुनाव में मुसलमानों को टारगेट किया गया, हम चुप रहे। मैं हिस्सा रहा इन सब का, मैं माफ़ी मांगता हूँ
उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, और मैं मानता हूं इस बात को कि हमने धोखा किया उनके साथ, यानी मुसलमानों के साथ आरएलडी ने धोखा किया है, इस बात का दावा भूपेंद्र चौधरी की तरफ से किया गया है। ये भूपेंद्र चौधरी का ये इस्तीफा अपने आप में एक नज़ीर पेश करने जा रहा है। खबर ये है कि 24 से 48 घंटे के भीतर तनातन इस्तीफे गिरने जा रहे हैं। खबर ये भी है कि कई नेता अखिलेश यादव के संपर्क में हैं, यानी आरएलडी में अकेले जयंत चौधरी रह जाएंगे, ये खबरें भी निकल कर आ रही है। खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने एक और खबर छापी है। भूपेंद्र चौधरी ने आरएलडी छोड़ने के बाद कहा हमने मुसलमानों के साथ धोखा किया। वैसे आपको खबर दिखा दी है मैंने, लेकिन खबर का अगला हिस्सा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें बताया गया राष्ट्रीय लोकदल को एक और बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री जयंत चौधरी खासम खास रहे राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी को अलविदा कह दिया। जो नीचे लिखा है वो पढ़कर बताता हूँ। आरएलडी में चल रही बगावत थमती नजर नहीं आ रही है। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे भूपेंद्र चौधरी की नाराजगी और पार्टी से बगावत करने की यूं तो कई वजह है, लेकिन उनमें दो बातें बेहद अहम है। उनका कहना है कि जयंत चौधरी बड़े नेता है, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें मंत्रिमंडल में सिर्फ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया, जबकि जयंत को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए था। उनका मंत्रालय भी खास नहीं है। दूसरा ये कि जब एनडीए की बैठक हुई तो जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं दी गई, और इसको लेकर भी वो बेहद नाराज है। कुल मिलाकर ये नाराजगी जो है अब वो धरातल पर उतरने लगी है। ये लग रहा था ना क्या है, जयंत चौधरी को तो खुश है ना कोई, मतलब देखिए कोई एक अकेला नेता, मानकर चलिए अकेले राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया गांधी रह जाए कांग्रेस में, क्या मतलब कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी में अकेले अखिलेश यादव रह जाए, शिवपाल रह जाए, कार्यकर्ता समर्थक तमाम लोगों की जरूरत पड़ती है ना, मोदी रह जाए, शाह रह जाए बीजेपी में, क्या मतलब, ऐसे अकेले जयंत चौधरी रह जाएंगे तो क्या फायदा इसका। कितने सांसद, क्या विधायक बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, सांसद भी बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो एक ही बनेंगे। तो अब इसमें हालात खराब हो रहे हैं, जयंत चौधरी करेंगे क्या। इन्होंने जो एक बात कही है वो समझिए, हमने मुसलमानों के साथ धोखा किया, जो भी मैंने पढ़कर भी बताया था, क्या कहना है इनका। आरएलडी से इस्तीफा देने वाले भूपेंद्र चौधरी का ये कहना है कि हमने मुसलमानों के साथ धोखा किया है, मुसलमानों की बदौलत ही आरएलडी में जान पड़ी थी, हमारे 9 विधायक बने और मुसलमानों ने हमें भरपूर सपोर्ट किया, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी से गठबंधन कर लिया गया, ये मुसलमानों के साथ धोखा नहीं तो क्या है। लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने आरएलडी को वोट नहीं किया बल्कि आरएलडी के खिलाफ वोट किया है, ये मुसलमानों की नाराजगी की ही वजह है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बावजूद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर संजीव बालियान जैसे बड़े नेता चुनाव हार गए। यानी कुल मिलाकर आप समझिए कि जाट आरएलडी के साथ हैं, जयंत चौधरी के साथ थे, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं थे। मैं लगातार आपको बता रहा था ना, वो अखिलेश यादव के साथ खड़े थे और बीजेपी ने इसका पूरा का पूरा खुन्नस निकाली। लेकिन मैंने कहा ना, जयंत चौधरी को लोग ये सोचते हैं ना कि नहीं नहीं भाई, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह उनके दादा को दे दिया भारत रत्न इसलिए गए ना, ये तो एक बहाना था कि अपने समर्थकों से, अपने नेताओं से, अपनी पार्टी के लोग अपने वोटर से कह देंगे। दरअसल उन्हें मंत्री बनने का बहुत शौक है। जयंत चौधरी को लंबे वक्त से ये मन था कि मैं केंद्रीय मंत्री बन जाऊं, सिर्फ इसलिए, इसलिए उन्होंने अपने समाज की भी नहीं सोची, ऐसी पार्टी के साथ चले गए जिसको उनकी अपनी खुद की कार्यकर्ता पसंद नहीं कर रहे, मतलब किसी की नहीं सुनी, अपने मन की क्यों कर डाली। अब भुगत रहे, धनाधन इस्तीफे हो रहे हैं। खबर है कि 24 से 48 घंटे के भीतर एक बैठक हो सकती है अखिलेश और जयंत चौधरी की, और जयंत चौधरी जल्दी इस्तीफा देकर एक बार फिर से इंडिया गठबंधन के साथ नजर आएंगे, क्योंकि पार्टी भी बचाना जरूरी है ना। नमस्कार।